हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मुंबई हाउसिंग अमित दुबे यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं दोस्तों 1 BHK का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट मीरा रोड के रामदीपक लोकेशन में, जहां से आपको मिलता है काफी अच्छा कनेक्टिविटी। जैसे कि अगर आपको बस से मीरा रोड स्टेशन जाना है तो एवरी 20 मिनट्स के इंटरवल पे आपको मिलता है बस। और वहीं अगर हम रिक्शा स्टैंड की बात करें तो वॉकेबल 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको रिक्शा स्टैंड मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी काफी अच्छा है। और वहीं अगर हम वेजिटेबल मार्केट की बात करें दोस्तों, तो इस बिल्डिंग से जस्ट आपको 5 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पे आपको वेजिटेबल मार्केट मंदिर का एक्सेस भी मिल जाता है। और यहाँ से काफ़ी नज़दीक यहाँ पे आपको चर्च भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है ओपन पार्किंग के लिए, गार्डन के लिए, किड्स प्ले एरिया के लिए। और साथ ही दोस्तों एक छोटा सा आपको यहाँ पे मिलता है पार्टी हॉल, जो कि जनरली मीटिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों ये किड्स प्ले एरिया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बेसिक एमिनिटीज सारे मिल जाते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों बिल्डिंग का एलिवेशन दिखाता हूँ मैं। और ये रहा दोस्तों बिल्डिंग का काफ़ी ब्रॉड रास्ता, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री करने के लिए है। और ये देख रहे हैं दोस्तों आप बिल्डिंग का खूबसूरत एलिवेशन, जो कि काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में बनाया हुआ है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों बिल्डिंग के बैक साइड में, जहाँ पे आपको कार पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है। तो बिल्डिंग में काफ़ी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों मैं लेके चलता हूँ सीधे आपको फ्लैट दिखाने। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों ये लिफ्ट लॉबी, यहाँ पे आपको पर फ्लोर पे मिलता है 6 फ्लैट, 1 लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस। और यहाँ पे दोस्तों आपको मैं जो दिखाने आया हूँ वो है 1 BHK का फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। और उसका आप देख रहे हो स्क्रीन पर काफ़ी अच्छे तरीके से वेल डिज़ाइन यहाँ पे ओनर ने इंटीरियर किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे लिविंग एरिया में। सो व्यूअर्स, आ गए हम फ्लैट के अंदर। और अभी आप देख रहे हो ये लिविंग एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन के साथ में इंटीरियर का काम किया हुआ है ओनर ने, काफ़ी खूबसूरत तरीके से कलर कम्बिनेशन का। और अगर हम बात करें इंटीरियर का, तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इंटीरियर का काम किया हुआ है। ऊपर फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, AC वगैरह एज इट इज़ यहाँ पे ओनर छोड़ के जाने वाले हैं। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों ये फर्नीचर जो फुल्ली फर्निश बनाया हुआ है ओनर ने, ये अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी को रेनोवेट किया, टाइलिंग वगैरह सब चेंज किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिविंग एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे सिटिंग का स्पेस बनाया हुआ है, नीचे आपको कैबिनेट बनाया हुआ है। और यहाँ से भी आपको काफ़ी ओपन व्यू यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके फ्लैट के अंदर लिविंग एरिया से। आप देख पा रहे दोस्तों काफ़ी ओपन व्यू यहाँ पे आपको मिलता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे दोस्तों काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ओनर ने प्रॉपर्टी को सजाया हुआ है, काफ़ी वेल मेंटेन किया हुआ है इस प्रॉपर्टी को। और यहाँ पे मरीन प्लाई का पूरा प्रॉपर्टी में यूज किया हुआ है। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो प्रॉपर मरीन प्लाई से यहाँ पे बनाया हुआ है ये पूरे फर्नीचर को। तो अभी आप देख रहे हो दोस्तों ये पैसेज एरिया, और यहाँ पे पैसेज एरिया में भी दोस्तों आपको वॉश बेसिन का स्पेस मिलता है। और यहाँ पे वॉश बेसिन बनाया हुआ है, नीचे कैबिनेट बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इंटीरियर का काम किया हुआ है ओनर ने। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों ये कॉमन टॉयलेट, और यहाँ पे कॉमन टॉयलेट भी काफ़ी स्पेसियस यहाँ पे आपको मिल जाता है। और दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों सीधे किचन एरिया में। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों ये किचन एरिया, और यहाँ पे आपको डबल साइड प्लेटफॉर्म के साथ में मिलता है ये किचन एरिया, जो कि मॉड्यूलर किचन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम 1 BHK के हिसाब से देखें तो काफ़ी स्पेसियस यहाँ पे आपको किचन एरिया मिल जाता है, मॉड्यूलर किचन अपर लोअर कैबिनेट के साथ में। और इसी के साथ में दोस्तों अटैच है एक ड्राई एरिया भी, आप देखिए यहाँ पे आपको मिलता है ड्राई एरिया, लगभग 2 से 2.5 फीट का यहाँ पे आपको ड्राई एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो मीरा रोड स्टेशन, भाईंदर स्टेशन आपको 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें मीरा भाईंदर हाईवे के, तो हार्डली 300 to 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मीरा भाईंदर हाईवे का भी एक्सेस मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी अच्छा है ये प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों आपको। तो यहाँ पे आपको स्टीम बाथ जैसे फैसिलिटी के साथ में मिलता है ये मास्टर बेडरूम का मास्टर टॉयलेट। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों काफ़ी स्पेसियस मास्टर टॉयलेट, जो कि आपको मिलता है जगवा जैसे ब्रांडेड फिटिंग के साथ में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों सीधे मास्टर बेडरूम में। और अभी हम आ गए दोस्तों मास्टर बेडरूम में, और यहाँ पे आप देख पा रहे काफ़ी खूबसूरत तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है इस पूरे प्रॉपर्टी को। यहाँ पे आपको मरीन प्लाई से बनाया हुआ है, प्रॉपर फर्नीचर का काम किया हुआ है यहाँ पे ओनर ने, आप देख पा रहे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन करके रखा भी है। ये रिसेंटली रिनोवेटेड प्रॉपर्टी है दोस्तों, और यहाँ पे आपको AC वगैरह एज इट इज़ यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही मास्टर बेडरूम में भी यहाँ पे आपको मिलता है एक विंडो, और साथ ही एक छोटा बालकनी भी, जो कि आप आगे देखेंगे वीडियो में।
और अब मैं आपको यहाँ विंडो से आपका व्यू दिखाता हूँ दोस्तों। काफ़ी ओपन व्यू यहाँ पे आपको मिलता है आपके विंडो से, जैसा कि आपने देखा किचन एरिया से, लिविंग एरिया से, वैसे ही आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम से भी काफ़ी ओपन व्यू मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे दोस्तों अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, आपको ड्रेसिंग टेबल वगैरह प्रॉपर बनाया हुआ है यहाँ पे ओनर ने। और अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये वार्डरोब एरिया, जो कि वार्डरोब बनाया हुआ है ऑलरेडी, और ये लगभग 2 फीट डीप ये है वार्डरोब, और ऊपर बनाया हुआ है कैबिनेट। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों, जो आपको छोटा, जैसे कि मैंने बताया कि एक छोटा बालकनी मिलता है आपको, तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडिंग बालकनी मिल जाती है। और यहाँ से जो व्यू मिलता है वो भी ओपन व्यू मिलता है, नीचे गार्डन किड्स प्ले एरिया का व्यू मिलता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए वीडियो को। और दोस्तों अभी तक मैंने नहीं बताया इस प्रॉपर्टी को आया हुआ है OC, ये प्रॉपर्टी OC रिसीव्ड है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों प्राइस की, तो यहाँ पर ओनर का जो कोटिंग प्राइस है वो 66 लाख रुपीज़ है, जो कि नेगोशियेबल है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।